हम पर संगीत का बहुत असर होता है। वेद मंत्रों की रचना संगीत के आधार पर हुई जान पड़ती है। मधुर संगीत आत्मा के ताप को शांत कर सकता है। आत्मा के विकास के लिए संगीत के महत्व की प्रतीति मुझे दिन रात होती जा रही है। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में कला का, जिसमें संगीत भी शामिल है, एक समुचित स्थान है। किंतु एक समय ऐसा भी आता है जब वह कला से ऊपर उठ जाता है। उसे इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभूत और गृहित किया जा सकता है। इस प्रकार कला, जैसा कि मैंने उसे समझा है, अपने आप में मनुष्य का लक्ष्य नहीं बन सकती। अपनी इंद्रियों द्वारा तो हम उसे कभी नहीं पा सकते, क्योंकि वह उनसे परे है। अगर हम चाहें तो उसका अनुभव कर सकते हैं, और इसके लिए हमें इंद्रियों से ऊपर उठना होगा। दैवी संगीत हमारे अंदर गूंजता रहता है। इंद्रियों से हम जो कुछ समझ या सुन सकते हैं, उससे वह भिन्न और निश्चित रूप से ऊंचे दर्जे का है। परंतु इंद्रियों के कोलाहल तथा हलचल में वह नाजुक दिव्य संगीत विलीन हो जाता है। कभी कभी दिव्य संगीत की गूंज सुनाई पड़ जाती है, किंतु वह स्वयं प्रयत्न करने पर ही कोई सुन सकता है। यह ऐसा संगीत नहीं कि कोई और इसे सुनवा सके। संगीत शास्त्र का एक श्लोक है कि संगीत विहीन मनुष्य अगर योगी नहीं है तो पशु के समान होगा। सच पूछें तो योगी संगीत के बिना अपना काम चला ही नहीं सकता। उसका संगीत उसके हृदय की वीणा से निकलता है, इसलिए हम उसे सुन नहीं पाते। योगी हृदय के द्वारा भगवान का भजन करता है। हम कंठ के द्वारा भजें और दूसरों से इस तरह का भजन कान से सुने। यह करते करते हम हृदय में निरंतर चलता संगीत सुन सकते हैं।